हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 11 सितंबर 2018 और आज तक जितने भी करंट जीके के प्रश्न बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो एजुकेशनल ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, उस पर इसे शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। हमारी एक वेबसाइट है www.sarkarirezult.sre.gov.in, जिस पर जाके आप ऑनलाइन करंट जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको प्ले स्टोर पर नाइली ट्रिपल सी रिचा करके मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा बना है? हमारे ऑप्शंस हैं मैंगलोर, बी बंगलुरु, सी दिल्ली या डी चेन्नई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मैंगलोर, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, स्मृति मानधना, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर है मिताली राज, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की NIRF भारतीय रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT मुंबई या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शन है अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण जेटली, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत 1 लाख से अधिक कला से संबंधित वस्तुओं को डिजिटल किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है संकल्प परियोजना, जतन परियोजना, देह परियोजना या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जतन परियोजना, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक राणा, TS कलमाड़ी, मोहन राजावत या हिमांता बिस्वा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमांता बिस्वा, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के 20 सबसे बड़े शहरों में 4G कनेक्टिविटी में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? हमारे ऑप्शन है पटना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। और हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है पटना, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना दूत बनाया है? हमारे ऑप्शन है विराट कोहली, रोजर फेडरर, लियोनल मेसी या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनल मेसी, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है मुकेश साहनी, बलराम भार्गव, रजत पटेल या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बलराम भार्गव, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने FSSAI में हाल ही में किस नई योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है प्रोजेक्ट धूप, प्रोजेक्ट नीर, प्रोजेक्ट पवन या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोजेक्ट धूप, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? हमारे ऑप्शन है विनोद खन्ना, के विश्वनाथ, मुकेश खन्ना या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोद खन्ना, यानी इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है राजीव गांगुली, रजत भाटिया, राकेश शाह या किशोर मकवाना। और इस प्रश्न का सही आंसर है किशोर मकवाना, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल लगेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर, एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर, इन्हें ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।